हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी आईक्यू जीके पर। आज मैं आपके लिए जुलाई करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने ये सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड लिए हैं और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईरान हैज़ ड्रॉप्ड विच कंट्री फ्रॉम चाबहार रेल प्रोजेक्ट। ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में ईरान की बात हुई है। ईरान एशिया कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। ईरान की कैपिटल तेहरान है। ईरान की करेंसी ईरानियन तोमान है और ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द सेकेंड फास्टेस्ट ऑलराउंडर टू स्कोर 4000 रन्स एंड बैग 150 विकेट्स। 4000 रन बनाने और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेन स्टॉक्स। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो गैरी सोबर्स फर्स्ट नंबर पर रहे हैं और सेकेंड नंबर पर बेन स्टॉक्स रहे हैं। फ्रेंड्स, जो क्रिकेट की गेम है इसे आईसीसी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। आईसीसी की फॉर्मेशन 15 जून 1909 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है जो कि यूएई देश में है और आईसीसी के सीईओ मनु साहनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालकॉम वेंचर्स हैज बॉट हाउ मेनी परसेंट स्टेक्स इन जियो प्लेटफॉर्म्स। क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 0.15%। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्वालकॉम वेंचर्स की बात हुई है। तो क्वालकॉम वेंचर्स की फॉर्मेशन ईयर 2000 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट फुटबॉलर टू स्कोर 20 गोल्स इन वन सीजन। एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, लियोनल मेसी। फ्रेंड्स, लियोनल मेसी अर्जेंटीना कंट्री के हैं और जो फुटबॉल की गेम है उसे रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी का नाम फीफा है। फीफा की फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन है। इसकी फॉर्मेशन 21 मई 1904 को हुई थी। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है जो कि स्विट्जरलैंड में है और फीफा के करंट चेयरमैन जियानी इन्फेंटिनो हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स अड्डा। स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रेटली। फ्रेंड्स, जो ब्रेटली हैं ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री के एक्स क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इफ इट ब्लीड्स। इफ इट ब्लीड्स पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टीफन किंग। स्टीफन किंग अमेरिकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर विधु पी नायर हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर इन विच कंट्री। डॉक्टर विधु पी नायर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुर्कमेनिस्तान। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बात तुर्कमेनिस्तान कंट्री की हुई है। ये एशिया कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशगाबाद है। करेंसी तुर्कमेनिस्तान मन्नत है और प्रेजिडेंट गुरबांगुली वर्दी मोहम्मदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ एडीबी। एडीबी के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक लवासा। फ्रेंड्स, एडीबी की फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसकी फॉर्मेशन 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला में है जो कि फिलीपींस की एक सिटी है और एडीबी के चेयरमैन मतात्सुगु असाकावा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड एपी स्टार 6D टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट। किस देश ने एपी स्टार 6D दूर संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चाइना।
फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो चाइना एशिया कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, चाइना की कैपिटल बीजिंग है, चाइना की करेंसी रेनमिन भी है और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओरिजिन चंद्रिका प्रसाद संतोखी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, सूरीनेम। फ्रेंड्स, जो सूरीनेम कंट्री है ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, इसकी कैपिटल पारामारिबो है और करेंसी सूरीनेम डॉलर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हॉकी प्लेयर हैज बीन ऑनर्ड विद मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अशोक कुमार। फ्रेंड्स, जो मोहन बागान पुरस्कार है ये बेहतरीन पूर्व खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एलएनटी बोर्ड। एलएनटी बोर्ड के कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुब्रमण्यम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अमेरिका विच कंट्री हैज बैन चाइनीज कंपनी हुवावे रिगार्डिंग 5G नेटवर्क। अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी हुवावे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में ब्रिटेन की बात हुई है, तो ब्रिटेन यूरोप कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है, ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है और ब्रिटेन के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ऑपरेशन मुस्कान इन ऑर्डर टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन। किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT हैज डेवलप्ड वर्ल्ड्स मोस्ट चीप डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर फॉर COVID-19। किस IIT ने विश्व की सबसे सस्ती COVID-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर तैयार की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू एंटर इन एन ओपन स्काई एग्रीमेंट विद इंडिया। किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, UAE। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ बात हुई है UAE देश की। UAE की फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ये एशिया कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, कैपिटल आबूधाबी है और करेंसी UAE दिरहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंड्रेस डूडा हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। अंड्रेस डूडा फिर से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, पोलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड रोको टोको कैंपेन। किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, रोको टोको अभियान का उद्देश्य मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड यूथ स्किल डे ऑब्जर्व्ड। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 जुलाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर के पलानीस्वामी हैज बीन ऑनर्ड विद पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन। किस राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड। फ्रेंड्स, ये जो रस्किन बॉन्ड है ये भारत देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज विल बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन रेलवेज ऑन रन
100% क्लीन एनर्जी अप टू विच ईयर? किस वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे बन जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी 2030। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे होगा जिसमें डीजल की जगह 100% विद्युतीकरण का प्रयोग किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में भारतीय रेलवे की बात हुई है जिसे कि हम इंडियन रेलवेज के नाम से जानते हैं। इसकी फॉर्मेशन 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव हैं। आरपीएफएस डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार हैं और इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर जॉन मथाई थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हुरून रिसर्च व्हाट इज मुकेश अंबानीज रैंक इन वर्ल्ड्स बिलियनर्स लिस्ट? हुरून रिसर्च के अनुसार विश्व के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी 5वें स्थान पर। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पहले स्थान पर जेफ बेजोस रहे हैं, दूसरे स्थान पर बिल गेट्स हैं और तीसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू कंप्लीट द ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन? कोरोना वायरस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी रशिया। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो रूस के सेचेनोव यूनिवर्सिटी ने कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल वैक्सीन को तैयार किया है और इसका नाम गैम कोविड वैक लियो रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज हैज ट्रांसपोर्टेड ड्राई चिलीज टू विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम? भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत से किस देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से ये सूखी मिर्च को भेजा गया है। इस क्वेश्चन में बांग्लादेश की बात हुई है। तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, बांग्लादेश की करेंसी टका है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैं और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस टू कैंसल एक्सट्राडिशन ट्रीटी विथ हांगकांग? किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हांगकांग ने चीन के विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के विरोध में ऑस्ट्रेलिया ने ये कदम उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल हैज अनाउंस टू इन्वेस्ट हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स इन इंडिया? गूगल ने भारत में कितने बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन डी 10 बिलियन डॉलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज अनाउंस टू बाय 72,000 SIG-716 असोल्ट राइफल्स फ्रॉम विच कंट्री? भारत ने किस देश से 72,000 SIG-716 असोल्ट राइफल्स खरीदने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में अमेरिका की बात हुई है जिसे कि हम यूएसए के नाम से जानते हैं। अमेरिका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। यूएसए की फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। करेंसी अमेरिकन डॉलर है और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विक्रम दुरईस्वामी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर इन विच कंट्री? विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु हैज बीन ऑनर्ड विद मोहन बागान रत्न अवार्ड? मोहन बागान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी कि गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी दोनों को ही मोहन बागान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन चूजन फॉर वॉन कर्मन प्राइज 2020? किसे वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, के सिवन। फ्रेंड्स, ये जो के सिवन है ये इसरो के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटीरिम सीईओ ऑफ बीसीसीआई? बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, हेमांग अमीन। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ बात बीसीसीआई की हुई है। बीसीसीआई इज़ द क्रिकेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी इन इंडिया। फ्रेंड्स, भारत में क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी का नाम बीसीसीआई है। इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी फॉर्मेशन 1928 को हुई थी। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में है। बीसीसीआई के चेयरमैन सौरभ गांगुली हैं और बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित शाह हैज लॉन्च्ड सीआरपीएफ्स नेशन वाइड ट्री प्लांटेशन कैंपेन इन विच सिटी? अमित शाह ने किस शहर में सीआरपीएफ के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरुग्राम। फ्रेंड्स, जो अमित शाह हैं ये हमारे देश के गृह मंत्री हैं और इन्होंने सीआरपीएफ के नेशन वाइड ट्री प्लांटेशन कैंपेन का शुभारंभ गुरुग्राम में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुदेंद्र टंडन हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर इन विच कंट्री? रुदेंद्र टंडन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीज़ा हैज टाइड अप विद विच बैंक फॉर लॉन्चिंग वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम? वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फेडरल बैंक। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ बात हुई है फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक की फॉर्मेशन 23 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स अलुवा केरल में है और इसके चेयरमैन एलिजाबेथ कोशी हैं। फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ श्याम श्रीनिवासन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज डेवलप्ड अ सैनिटाइजिंग डिवाइस कॉल्ड शुद्ध? किस आईआईटी ने शुद्ध नामक एक सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी कानपुर। फ्रेंड्स, आईआईटी स्टैंड्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बीन ऑनर्ड विद एलीट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020? किस राज्य को एलीट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ राज्य की बात हुई है। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल अटल नगर है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो इसकी लोकसभा में 11 सीट्स हैं, राज्यसभा में 5 सीट्स हैं और विधानसभा में 90 सीट्स हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज ओनली गोल्डन टाइगर हैज बीन सीन इन विच स्टेट? भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, असम। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज स्टार्टेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रॉप्स बाय ई क्रॉप इनिशिएटिव? किस राज्य ने ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण करना शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, ये पहल किसानों के लिए शुरू की गई है और इस पहल के द्वारा राज्य में बोई गई फसलों को संयुक्त रूप से ऑनलाइन दर्ज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आई ए हैज टाइड अप विथ होम फॉर सिविल एविएशन फील्ड? AAI ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड।
फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में AAI की बात हुई है, तो AAI स्टैंड्स फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 अप्रैल 1995। इट्स हेडक्वार्टर्स आर बेस्ड इन न्यू दिल्ली एंड इट्स करंट डायरेक्टर इज अरविंद सिंह। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में BEL की भी बात हुई है, तो BEL की फुल फॉर्म भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 1954। इसके हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है जो कि कर्नाटक राज्य में है, और इसके प्रेजेंट में चेयरमैन एंड MD MV गौतम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि का कर्ज उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे कि उन्हें अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज हैज स्टार्टेड कंस्ट्रक्टेड विच कोच फॉर कंट्रोलिंग इन्फेक्शन ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक। भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किस कोच का निर्माण किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पोस्ट कोविड कोच। फ्रेंड्स, इस कोच का निर्माण रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मुकेश अंबानी रैंक इन वर्ल्ड्स मोस्ट रिच पीपल्स लिस्ट अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 6वें स्थान पर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले स्थान पर जेफ बेजोस हैं, सेकंड नंबर पर बिल गेट्स हैं, और थर्ड नंबर पर बर्नाल्ड अर्नॉल्ट हैं। हुरून रिसर्च के अनुसार विश्व के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी 5वें स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, वेद प्रकाश डुडेजा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर पराग चिटनेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद विच बैंक इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। झारखंड राज्य सरकार ने परिवहन विभाग समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, HDFC बैंक। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में HDFC बैंक की बात हुई है, तो HDFC की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इट वॉज फॉर्म्ड इन अगस्त 1994। HDFC's हेडक्वार्टर्स आर बेस्ड इन मुंबई। HDFC के चेयरमैन CM वासुदेव हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में झारखंड स्टेट की भी बात हुई है, तो झारखंड की कैपिटल रांची है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन हैं, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं। झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट रवि रंजन हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम झारखंड की बात करें तो लोकसभा सीट्स 14 हैं, राज्यसभा सीट्स 6 हैं और विधानसभा सीट्स 81 हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज डिसाइडेड टू इन्वाइट विच कंट्री टू एनुअल मालाबार नेवल एक्सरसाइज। भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौ सैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ हैज टाइड अप विथ होम फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू यंग पीपल। यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों के रोजगार के लिए किसके साथ साझेदारी की है?
सही आंसर है ऑप्शन बी सैप इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द यंगेस्ट फुटबॉल प्लेयर टू रिसीव ऑनररी डिग्री ऑफ डॉक्टरेट फ्रॉम मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए मार्कस रैशफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिस फाकफाक हैज रिजाइंड फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। एलिस फाकफाक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, ये किस देश के हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी ट्यूनेशिया। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ बात हुई है ट्यूनेशिया देश की। ट्यूनेशिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। ट्यूनेशिया की कैपिटल ट्यूनिस है और यहाँ की करेंसी ट्यूनेशियन दिनार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल हैज बॉट हाउ मच परसेंट स्टेक्स इन जियो प्लेटफॉर्म। गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। सही आंसर है ऑप्शन बी 7.73%। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में गूगल की बात हुई है। तो गूगल इज अ सर्च इंजन। गूगल की फॉर्मेशन सितंबर 1998 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। गूगल के फाउंडर सर्जी ब्रिन एंड लैरी पेज हैं और गूगल के करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदर पिचाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इन विच सिटी INCOIS दैट इज इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैज ऑर्गेनाइज्ड स्वच्छता पखवाड़ा। किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया है। सही आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो स्वच्छता पखवाड़ा का उद्देश्य भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के कार्य क्षेत्र में सफाई रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फोर जर्नलिस्ट हैज बीन चूजन फॉर इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 के लिए किन चार पत्रकारों को चुना गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ अवब। इनमें फ्रेंड्स शाहिदुल आलम शामिल हैं, मोहम्मद मोसेद, डेपो ऑलिरोनॉमी एंड स्वेटलाना प्रोकोपियवा शामिल हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज्ड अ बुक नेम्ड द तंगम्स एंड एथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। द तंगम्स एंड एथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी पेमा खांडू। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। यह पुस्तक तंगम जनजाति पर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स पोबा रिजर्व फॉरेस्ट विल बी कन्वर्टेड इंटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किस राज्य के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में तब्दील किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन बी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वन USIBC 2020 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। किसने USIBC 2020 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जीता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि फ्रेंड्स जिम टाइलेक्ट और एन चंद्रशेखरन को ग्लोबल 2020 लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो यह पुरस्कार भारत अमेरिका ट्रेड और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब वलरपदम टर्मिनल इज बीइंग डेवलप्ड। किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब वलरपदनम टर्मिनल विकसित किया जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन सी केरला। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में केरल राज्य की बात हुई है। तो केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन हैं जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस मणिकुमार हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम केरल की बात करें तो यहाँ की लोकसभा सीट्स 20 हैं, राज्यसभा सीट्स 19 हैं
और विधानसभा सीट्स यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स 140 हैं। फ्रेंड्स, अब आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। CBSE हैज टाइड अप विथ होम इन ऑर्डर टू ट्रेन 1 मिलियन टीचर्स। CBSE ने किसके साथ मिलकर 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गूगल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।